हरदा जिले में पहले अल्प वर्षा और बाद में अति वर्षा के कारण किसानों की सोयाबीन एवं मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। अब किसान सरकार से RBC 6 से 4 के तहत 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की राशि देने एवं बीमा क्लेम का आदर्श आचार संहिता लगाने से पहले भुगतान करने एवं किसानों के बिजली बिल माफ करने की मांग कर रहे हैं। तिमन्नी विधानसभा के और हरदा जिले के सभी हमारे किसान भाइयों ने आज जो प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलें खराब हुई, सोयाबीन की टोटल और बीच में कुछ दिन जो सूखा पड़ा था उसकी वजह से हमारे सब किसानों की फसलें चौपट हो चुकी थी, उसको लेकर हमने आज SDM को ज्ञापन दिया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।